नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मेरे जी मैं नीरज भाई शास्त्री। 9 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है। श्रावण मास की आप सबको शुभकामना, हो सके इतनी शिव जी की उपासना कीजिए। इस सप्ताह का राशिफल आपको बताता हूँ। इस सप्ताह की सौरात में सूर्य कर्क राशि में है, चंद्र बुध शुक्र मंगल सिंह राशि में है, बृहस्पति मंगल राशि में है, शनि मकर राशि में है, राहु वृषभ राशि में है, केतु वृश्चिक राशि में है। अब सभी 12 राशियों का राशिफल जानते हैं। मेष राशि के जातकों के सोचे हुए काम इस सप्ताह समय से पूरे हो गए। सही दिशा में प्रयास और कर्म करने पर अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में ही अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सप्ताह के मध्य गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहें। छात्रों का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। मंगलवार आपके लिए शुभ है। शुभ रंग लाल है। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए। ओम हम हनुमंते नमः का जप करें। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी जॉब देखकर खर्च करने की जरूरत है। आय के मुकाबले खर्च ज़्यादा बना रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में संतान पक्ष के लेकर कुछ चिंताएं बनी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक उसका आप कोई न कोई समाधान निकालने में सफल रहेंगे। सप्ताह के मध्य में कैरियर की दृष्टि से छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ है। लाल चंदन का तिलक लगाए दुर्गा देवी की उपासना कीजिए। मिथुन राशि के जातकों को आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करने होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कैरियर कारोबार या कार्य क्षेत्र में कोई चुनौती सामने आती है तो उसका डटकर सामना करते हुए आप चाहे तो सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। कर्म का फल अवश्य मिलेगा। सप्ताह के अंत में शारीरिक थकान अथवा अनिद्रा जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। अपने जीवन साथी की भावनाओं की उपेक्षा बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए हरा रंग शुभ है। गणपति को दुर्वा एवं लड्डू चढ़ाए। ओम गम गणपते नमः का जप करें। कर्क राशि के जातकों को अपने सपनों को साकार करने के लिए यह सप्ताह अति उत्तम है। यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी प्रभावी व्यक्ति से संपर्क होगा और लाभ के अवसर बनेंगे। रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आपके लिए सफ़ेद रंग शुभ है। सूर्य को जल में रोली डालकर अर्घ्य दें। ओम ध्रुणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय और संबंध दोनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सोचे हुए कार्य पूरे हो तो कार्यों को कल पर टालने की बजाय समय से पूर्व करने की कोशिश करें। साथ ही रूठे सुजन मनाइए। जो रूठे 100 बार, यही किसी कारणवश आपकी किसी प्रिय व्यक्ति से कोई नाराजगी चल रही है तो एक कदम पीछे हटकर उसे मनाने का प्रयास करें। अन्यथा मने बनाए संबंध टूट सकते हैं। कैरियर कारोबार में लोगों को अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की भावनाओं की उपेक्षा ना करें। सुनहरा रंग शुभ है। गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ विष्णु भगवान को चढ़ाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से कन्या राशि के जातकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। सप्ताह की सौरात में मन किसी अनिष्ट की शंका से ग्रस्त हो रहेगा, लेकिन सप्ताह के खत्म होने से पहले सभी शंका के बादल हट जाएंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर का सहयोग मिलेगा। किसी योजना या व्यापार में धन निवेश करने से पहले शुभ चिंतक या वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। आपके लिए नारंगी रंग शुभ है। जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की साधना करें। प्रतिदिन ओम गम गणपते नमः की एक माला जप करें। तुला राशि के जातकों का कैरियर और कारोबार में अपेक्षा से अधिक सफलता मिल सकती है। विदेश से जुड़े कार्य या कारोबार करने वालों को लाभ होगा। भवन आदि के क्रय विक्रय अथवा पूर्व में किसी योजना में
किए गए धन निवेश से बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का समय शुभ है। आपके लिए आसमानी रंग शुभ है। भगवान बटुक भैरव की उपासना करें। गरीबों को भोजन करावे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को सप्ताह में करियर या कारोबार में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभदायक होगी। सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से जुड़ी किसी बड़ी चिंता का निवारण होगा, लेकिन किसी बड़ी योजना में धन लगाने अथवा किसी को धन उधार देने से पहले खूब विचार कर ले, अन्यथा भविष्य में आपको पछताना पड़ सकता है। निजी विवादों को कोर्ट कचहरी के बाहर सुलझा ले, अन्यथा लंबी कानूनी प्रक्रिया के पचड़े में फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य साबित होगा। आपके लिए भूरा रंग शुभ है। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। धनराशि के जातकों की सप्ताह के प्रारंभ में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखें। सप्ताह के प्रारंभ में किसी प्रिय चीज के गुम होने से विवाद हो सकता है। पितृक संपत्ति को लेकर सज्जनों से विवाद हो सकता है। सज्जनों की भावनाओं की उपेक्षा ना करें। रोजगार की तलाश में जुटे लोगों के इंतजार थोड़ा बंद हो सकता है। बाजार में फंसे हुए धन के निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। प्रेम संबंधों में जीवन साथी के प्रति वफादार रहे। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए लाल रंग शुभ है। हनुमान जी की उपासना करें और बजरंग बाण का पाठ करें। मकर राशि। सप्ताह की सौरात में छोटी बहन या भाई की किसी बात से मन छिन्न रह सकता है। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ आपके सिर पर आ सकता है। भूमि भवन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए उचित समय का इंतजार करें। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बचें। छात्रों का मन पढ़ाई से ऊपर उछल सकता है। थोक व्यापारियों के मुकाबले छोटे कारोबारियों का समय शुभ है। सप्ताह के अंत में जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। बुरा रंग आपके लिए शुभ है। हनुमान जी की उपासना करें। ओम हम हनुमते नमः का जप करें। कुंभ राशि। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों फूटे एक समान। इस सप्ताह आपको इस बात से गांठ बांधकर चलनी होगी। सप्ताह की शुरुआत में कार्यों में आने वाली बाधाओं अथवा परिणाम से विचलित न होते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। सप्ताह के प्रारंभ में किसी महिला की मित्र की मदद से अटके कार्यों में गति आएगी। मित्रों या लव पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में छोटी दूरी की यात्रा संभव है। सेहत का विशेष ख्याल रखें। छात्रों को अधिक परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति के योग बनेंगे। सफेद रंग शुभ है। शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि। हारिए ना हिम्मत बिचारिए ना राम। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इसी मंत्र को लेकर अपने लक्ष्य के प्राप्ति होने तक डटे रहना है, क्योंकि आपके कार्यों में छोटी बड़ी बाधा जरूर आ सकती है, लेकिन वे पूरे अवश्य होंगे। यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित विवादों को बाहर की ही निपटा लेंगे तो फायदे में रहेंगे। रोजगार की तलाश में जुड़े लोगों को सप्ताह के मध्य तक कोई सुखद समाचार मिल सकता है। थोक व्यापारियों को अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। गोल्डन कलर आपके लिए शुभ है। हल्दी का तिलक लगाएं और शुभत्व की कामना के लिए साकार करने के लिए ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें। जप करके घर से निकले। तो ये था 12 राशियों का इस सप्ताह का राशिफल। अगले सप्ताह इसी वक्त इसी समय इसी दिन इसी प्लेटफॉर्म पे फिर मिलेंगे। आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।